गोल्ड में ठीक ठाक तेजी है, करीब 125 रुपए ऊपर है गोल्ड, 50,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल भी हमने 400-500 रुपए की तेजी देखी गोल्ड में, तो 50,000 के रेंज से गोल्ड का मार्केट अब बाहर निकल रहा है। ये एक ट्रेडर के लिए और इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है। हमारे साथ राजीव कपूर जुड़ रहे हैं ट्रस्ट लाइन के। राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या किया जाए क्योंकि गोल्ड में तेजी बढ़ रही है, क्या 51,000 या 51,100-52,000 रुपए के टारगेट के लिए गोल्ड को आज खरीदा जाए? 50,250 के स्टॉप लॉस से, और मुझे लगता है 50,900 तो इमीडिएट टारगेट रहेगा। और इंटरनेशनल मार्केट में बात करें तो एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, और ये रिकवरी इंटरनेशनल मार्केट में भी कंटिन्यू कर सकती है। अराउंड 1,858 रुपये तक जा सकता है बाजार, वहाँ पर $1,858 तक। तो मुझे लगता है कि गोल्ड अगर माइनर करेक्शन दे आज इंट्राडे में तो खरीद के ट्रेड करना चाहिए, और प्योरली इंट्राडे ही ट्रेड करें, बिकॉज ओवरनाइट मार्केट्स गैप डाउन या गैप अप कुछ भी सरप्राइज दे सकती है मंडे में, बिकॉज वी आर सिटिंग ऑन द वीकेंड। सो इट्स रिक्वेस्टेड टू ट्रेडर्स कि वो मैक्सिमम जो पोजीशन से इंट्राडे रखें, और अगर कैरी फॉरवर्ड करें तो कम से कम छोटी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करें। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि पोजीशन को कैरी ना करें, लेकिन 50,900 के टारगेट के लिए आप गोल्ड। लेकिन सर आपका जो बाइंग का लेवल है 50,550, मतलब ये इंट्राडे के लिए ठीक है क्या? क्योंकि ये लेवल, मतलब इस लेवल तक भाव आ पाएगा, या पता चला कि मतलब टारगेट तो आपका आ गया, बाइंग का लेवल ही नहीं आया? जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि ये टारगेट अचीव, मतलब एंट्री पॉइंट्स मिल सकते हैं 50,550 नहीं तो 50,600 तक भी अगर बाजार आए तो वहां पर भी खरीदारी का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है क्या? ओके, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर। अब हम आते हैं चांदी पे। चांदी में 400 रुपए की तेजी है और 61,959, मतलब 62,000 के बेहद करीब है MCX पर चांदी का भाव। तो चांदी पर एग्जैक्ट व्यू आपका क्या है, क्या करना चाहिए चांदी में? मृत्युंजय जी, इसमें भी बाजार ने एक अच्छी रिकवरी दी है, और अगर हम देखें तो बाजार 58,000 के स्तर से एक अच्छी रिकवरी दिखाता हुआ चल रहा है। मुझे लगता है कॉन्टिन्यूटी इसकी 63,000 तक और होनी चाहिए। ऑलरेडी बाजार काफी आज गर्म भी है, बट फिर भी मैं सलाह दूंगा कि अराउंड 61,700-61,750 तक की एक माइनर करेक्शन, 200 पॉइंट की अगर इसमें देखने को मिलती है सिल्वर में, तो खरीदारी का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, और इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए 61,300 रुपये का, आज के लो से करीबन 50-60 पॉइंट नीचे का। और टारगेट मैं मृत्युंजय जी एडवाइस करूंगा अराउंड 62,400 और 62,800। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं क्रूड की, और कच्चे तेल में आप देखिए कि 64 रुपये की तेजी है, 8,527 ये MCX पर कच्चे तेल का ताज़ा भाव है, और मतलब मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है सुबह से ही। क्रूड में इस भाव पर कोई ट्रेड राजीव जी? सर प्योरली इंट्राडे बेसिस पर 8,550 के आसपास इसमें सेल का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 8,640 रुपये का, और टारगेट लेके चलना चाहिए अराउंड 8,410 और 8,850। ठीक है, तो ये रहा क्रूड पर।